गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हैं, ये क्लास प्रैक्टिस क्लास होती है, क्योंकि इस क्लास में आप स्प्रेडशीट के इस भाग में जो भी आपने अब तक सीखा है उसका रिवीजन करेंगे और साथ में कुछ नया सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए अब पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं एग्जिट फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? एग्जिट फॉर्मूला की मदद से आप सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट में से यह पता कर सकते हैं कि वे दोनों बिल्कुल सेम हैं अथवा नहीं। अगर आपने स्पेस भी दिया होगा तो वो फॉल्स में दिखा देगा। वो दोनों वैल्यू को एक जैसे, अगर इक्वल होंगे तो उसे मैच करके दिखाता है। क्या आप बता सकते हैं अगर किसी टेक्स्ट में पहले 3 कैरेक्टर लाने हैं तो कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करेंगे? अगर आप किसी टेक्स्ट में से पहले 3 कैरेक्टर को निकालना चाहते हैं तो आप उसके लिए लेफ्ट फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। क्या आप जानते हैं मिड फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? मिड फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट के बीच में जहां तक कि टेक्स्ट निकालना चाहते हैं आप उसके लिए मिड फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। क्या आप जानते हैं फाइंड फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? फाइंड फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट अथवा सिंबल को ढूंढ सकते हैं, उसके पोजीशन को निकाल सकते हैं, उसके पोजीशन को काउंट कर सकते हैं कि वह सिंबल या टेक्स्ट कितने नंबर पर है। क्या आप जानते हैं स्प्लिट का उपयोग क्यों करते हैं? स्प्लिट ऑप्शन की मदद से आप अपने एक्टिव सीट को डिवाइड, मतलब कि उसे आप बांट सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें, स्प्रेडशीट की फाइल को ओपन करें। आइए जानते हैं आज आप क्या सीखेंगे और क्या रिवीजन करेंगे। आज आप पहले एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद एच लुकअप, वी लुकअप फॉर्मूलों के बारे में सीखेंगे, उसके बाद आप सम, इफ, मैक्सिमम, मिनिमम, टुडे और फाइंड फॉर्मूलों के बारे में सीखेंगे, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फिल्टर का रिवीजन करेंगे। अब आप सामने दिए गए टेबल को बनाएं। आइए अब वी लुकअप के बारे में सीखें। वी लुकअप का उपयोग आप तब करेंगे जब आपको किसी सीट से एक पूरी कॉलम की जानकारी निकालनी है। मान लीजिए एक कॉलम में रवि लिखा हुआ है और आप चाहते हैं रवि के कॉलम की पूरी जानकारी निकालना चाहते हैं तो आप वी लुकअप फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। आइए अब वीडियो की मदद से वी लुकअप फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से वी लुकअप फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। वी लुकअप की मदद से आप पूरी सीट में से किसी भी एक कॉलम की इंफॉर्मेशन या जानकारी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉलम, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने सेकंड सीट पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखा था, हमने उसको सेलेक्ट किया। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने फर्स्ट सीट पे एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हमने सीट टू पे, क्योंकि हमें सीट टू पे उस इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इसलिए हमने सीट टू पे कॉपी पेस्ट कर दिया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने कॉलम को यहाँ पे पेस्ट किया। अब हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालनी है, सबसे पहले इसके लिए हम इक्वल टू को टाइप करेंगे, फिर वी लुकअप टाइप करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। सबसे जो फर्स्ट सेल है उसको टाइप सेलेक्ट करना होता है, हमने इसको सेलेक्ट किया, सेमी कॉलन को लगाया। अब हमें पूरी सीट में से इंफॉर्मेशन निकालनी है तो इसलिए हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमें इस पूरे डेटा में से किसी भी एक कॉलम की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हम इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है,
सेलेक्ट करने के बाद आप सभी को सेमी कोलन लगाना है। हमने सेमी कोलन का सिंबल लगाया है यहाँ पे। अब कितने नंबर पे आपको किस कॉलम की इंफॉर्मेशन निकालना है, जो इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं, इंडेक्स का मतलब आपको कितने नंबर के कॉलम की इंफॉर्मेशन आप निकालना चाहते हैं। जिस भी कॉलम की आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं उस नंबर को आप टाइप करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देखते हैं यहाँ पे अलग अलग कॉलम है, नीम, सेल, सेल टू, सेल थ्री, इनमें से अगर किसी एक कॉलम की आपको जानकारी निकालनी है तो उसको नंबर टाइप आप करेंगे। हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम यानी कि दूसरे कॉलम की इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, इसीलिए हमने यहाँ पे टू टाइप किया, सेमी कॉलन को स्टार्ट किया, सेमी कॉलन को लगाया। उसके बाद आप देख सकते हैं जो सॉर्ट ऑर्डर है, तो जो भी वैल्यू होती है उसको आपको जीरो से क्लोज करनी होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे जीरो को लगाया और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेल वन है वो सेल वन लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। सेकंड कॉलम में हमारा सेल वन लिखा हुआ था। अगर इसकी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, पूरी जानकारी निकालनी है, इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने इसको नीचे की साइड ड्रैग किया। जो भी सेल वन का जो इन्फॉर्मेशन था वो यहाँ पे आ गया, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गया। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एन ए लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसलिए यहाँ पे एन ए लिखा हुआ आया। अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, अगर इसके इस टेबल के आगे कुछ भी आप टाइप करेंगे, हमने यहाँ पे आगे कंटिन्यू टाइप किया। हमने यहाँ पे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, और फिर इसका आगे हमने यहाँ पे जो पहले कॉलम था हमने वहाँ पे पेस्ट किया। तो आप देख सकते हैं हमें सिर्फ टाइप करने की जरूरत नहीं था, हमने सिर्फ फर्स्ट कॉलम को हमने जो एच और आई हमने टाइप किया था, जो उसका रिजल्ट है यहाँ पे वो ऑटोमेटिक आ गया। इसी प्रकार से आप सिर्फ ऐड करते जाएंगे, जो सेकंड कॉलम का जो रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिक आते जाएगा। इस प्रकार से आप वी लुकअप का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब एच लुकअप फॉर्मूला के बारे में सीखें। एच लुकअप का उपयोग भी आप वी लुकअप की तरह ही करेंगे, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि वी लुकअप में आप कॉलम के डेटा को देख सकते हैं, एच लुकअप में आप सिर्फ रो वाइज देख सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से एच लुकअप के बारे में सीखें। आइए वीडियो की मदद से एच लुकअप फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। एच लुकअप फॉर्मूला की मदद से आप पूरी सीट में से अगर किसी एक रो की जानकारी निकालना चाहते हैं तो आप उसके डेटा की जानकारी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने एक रो को सिलेक्ट किया। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम दूसरे सीट पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सीट थ्री को सिलेक्ट किया और वहां पे कॉपी कर देंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से जो फर्स्ट सीट, जो हमारी पहली सीट है, अगर हम किसी एक रो की जानकारी निकालना चाहते हैं तो हम एच लुकअप की मदद से इस सीट पे पहले वाली सीट की इंफॉर्मेशन, जो डेटा है वो हम उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू और एच लुकअप टाइप करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे इक्वल टू एच लुकअप टाइप किया, फिर सेल जो पहला सेल है, फर्स्ट सेल नेम वाला, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। हमने इसके बाद सेमी कॉलन को लगाया। सेमी कॉलन सिंबल लगाने के बाद हमें सेलेक्ट करना है पूरे सीट को, तो हम पूरे डेटा को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जो हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, जो टेबल हमारे पास है, हमने इस टेबल को सेलेक्ट किया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर हम सीट थ्री पे जाएंगे, आप देख सकते हैं ये उसकी पोजीशन है जो हमने सेलेक्ट किया था। फिर हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया। अब कितने नंबर से आप जो किस रो की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है यहाँ पे रो है, रो वन टू थ्री, अगर किसी एक रो की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं
तो उस रो को आप काउंट करें, फिर फॉर्मूला बार में क्लिक करें, हमें थर्ड रो की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा क्योंकि तीसरे रो की हमें इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं यहाँ पे। सॉर्टेड, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, और इसमें 0 से क्लोज कर दें। उसके बाद एंटर प्रेस कर दें, तो आप देख सकते हैं जो हमारा सीट 3 है उसके यहाँ पे जो पूरा डेटा में से जो है, जो थर्ड नंबर पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे आ गया। जब इसको आप राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स, यहाँ पे बी जो बी रो है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप एच लुकअप की मदद से पूरे सीट में से किसी भी एक रो की इन्फॉर्मेशन, किसी भी एक रो की जानकारी निकालना है तो आप एच लुकअप की मदद से निकाल सकते हैं। अब कुछ फॉर्मूलाओं का रिवीजन करते हैं। अब आप सभी सम करके दिखाएं, अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से सम निकालना सीखें, टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं आइए वो सीखते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप सभी जानते हैं, टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम सम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, इसीलिए सबसे पहले हम इक्वल टू को टाइप करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने इक्वल टू टाइप किया, फिर हमने सम लिखा, यहाँ पे सम लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट किया, और जिन भी नंबर को आप का टोटल निकालना है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज, फिर एंटर बटन दबा देंगे, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और बाकी सभी का आपको टोटल वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको सेलेक्ट करें और कर्सर को यहाँ पर रख के नीचे की साइड ड्रैग कर लें। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो सबका ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगा, सबका सम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सम फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब आप इस फॉर्मूला को लगा के दिखाएं। फॉर्मूला लगाते समय अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से इफ फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं इफ का फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मूला होता है, इस पे हमें कंडीशन चेक करना होता है, जो स्टेटमेंट होता है वो हमें लगाना होता है। आइए अब सीखते हैं कि इफ फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू टाइप करें, फिर इफ टाइप करें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, यहाँ पे जो टेस्ट वैल्यू है जिस पे आप कंडीशन लगाना चाहते हैं उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लें। हमने यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट किया 222 को, इस पर हम कंडीशन लगा रहे हैं 220 इज ग्रेटर देन 195, तो हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया। अब दूसरा स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ सबसे पहले सेमी कोलन लगाएंगे। जो भी आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं, ध्यान रहे उस स्टेटमेंट को आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर टाइप करेंगे, तो हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर कंप्लीटेड लिखा, फिर सेमी कोलन, फिर सेकंड स्टेटमेंट हम टाइप करेंगे यहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट को भी आपको सेमी इन्वर्टेड कोमा के अंदर टाइप करना है, ब्रैकेट को क्लोज करें। और एंटर बटन प्रेस कर दें। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, अगर ये कंडीशन को मैच करेगा, जो हमने कंडीशन लगाया है, जो स्टेटमेंट दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने यहाँ पे कंडीशन दिया था 222 इज ग्रेटर देन 195, तो स्टेटमेंट भी मैच कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कम्प्लीटेड जो हमने दिया था स्टेटमेंट कम्प्लीटेड वो आ गया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब हम इसको ड्रैग करेंगे, जहाँ पे भी वैल्यू 195 से ज़्यादा होगा वहाँ पे कम्प्लीटेड शो करेगा, और जो वैल्यू 195 से कम होगा वहाँ पे नॉट कम्प्लीटेड शो करेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इफ फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब आप मैक्स फॉर्मूला की मदद से एक कॉलम की
मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से मैक्सिमम वैल्यू निकालना सीखें। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जैसे आप जानते हैं हम सब मैक्स फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। सबसे पहले मैक्स टाइप करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे मैक्सिमम लिखा, अब हमें मैक्सिमम निकालना है। इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू टाइप किया, मैक्स लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। जिस नंबर में से आप मैक्सिमम नंबर निकालना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लें। हमने यहाँ पे 3 नंबर को सिलेक्ट किया। इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस किया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे एंटर बटन प्रेस किया जिनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गया। 81 सबसे बड़ी नंबर है तो यहाँ पे 81 रिजल्ट में आ गया। तो इस प्रकार से आप मैक्सिमम फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सभी एक सेल में आज की डेट लेके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देख के डेट फॉर्मूला को लगाना सीखते हैं कि करंट डेट को कैसे इंसर्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले जहां पे आपको डेट लगाना है, जहां पे आप डेट लिखना चाहते हैं वहां पे क्लिक करें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पे डेट लिखना है, तो हमने यहाँ पे डेट को लिखा। उसके बाद हम इक्वल टू को टाइप करेंगे। इक्वल टू टाइप करने के बाद हमने यहाँ पे टुडे लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया फिर क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो जो आज की डेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप टुडे फॉर्मूला की मदद से आप करंट डेट को लिख सकते हैं, उसे ला सकते हैं। अब आप किसी रो में से मिनिमम वैल्यू को निकाल के दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से मिनिमम फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। मिनिमम फॉर्मूला की मदद से आप दिए गए नंबर या सेलेक्ट किए गए नंबर में से मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। सबसे पहले मिनिमम टाइप करें, जिस कॉलम में भी आप मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। फिर नीचे वाले सेल में को सिलेक्ट करें, यहाँ पे इक्वल टू टाइप करें, MIN, मिन टाइप करें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें। जिस नंबर में से आप मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करें, क्लोज करने के बाद एंटर बटन दबा दें। एंटर बटन दबाने के बाद जो आपने नंबर सेलेक्ट किया था उसके अंदर जो भी मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जो हमने नंबर सेलेक्ट किया था उनमें से 66 सबसे कम वैल्यू है, तो यहाँ पे 66 आ गया। इस प्रकार से आप मिनिमम फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सभी एंड फॉर्मूला का उपयोग करके दिखाएं। याद रहे, एक आंसर ट्रू होना चाहिए और एक आंसर फॉल्स होना चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से एंड फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। जैसे कि आप जानते हैं एंड फॉर्मूला की मदद से आप दो वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि वह ट्रू है या फॉल्स है। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा दोनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो जो वैल्यू होगा, जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। आइए एंड फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू टाइप करें, फिर एंड टाइप करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे एंड टाइप किया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, हमने एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने 220 को सिलेक्ट किया और इस पर हमने एक कंडीशन लगाया, 220 इज ग्रेटर देन 200। एक हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर हमने सेमी कॉलन लिया। अब हम सेकंड स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरी स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमने दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट किया,
तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया 252 इज ग्रेटर देन 250, तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। पहले हमने जो स्टेटमेंट दिया वो दिया 220 इज ग्रेटर देन 200, और जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हमने 252 इज ग्रेटर देन 250, तो आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू सही है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आया वो ट्रू आया। तो इस प्रकार से आप एंड फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वल टू को टाइप करें, फिर एंड लिखें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे ए एन डी एंड टाइप किया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, फिर हमने एक वैल्यू को सिलेक्ट किया। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने लॉजिकल वैल्यू सिलेक्ट किया जो टोटल है, फिर हमने इस पे कंडीशन लगाया। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में हमने यहाँ पे 220 इज ग्रेटर देन 200, जैसे कि आप जानते हैं ये स्टेटमेंट जो है सही है। फिर हमने नेक्स्ट जो अगला स्टेटमेंट दिया 252 इज लेस देन 250, तो आप देख सकते हैं जो 252 है जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, तो जिसकी वजह से जो रिजल्ट आया हमारा वो फॉल्स आया। तो इस प्रकार से आप एंड फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। एंड फॉर्मूला के अंदर जैसे आप जानते हैं दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, अगर एक भी स्टेटमेंट गलत है तो जो रिजल्ट आएगा वो गलत होगा। इस प्रकार से आप एंड फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब आप फाइंड फॉर्मूला की मदद से आप किसी नेम में से किसी भी टेक्स्ट अथवा सिंबल को फाइंड करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से फाइंड फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले हम फाइंड लिखेंगे जहां पे हमें फाइंड फॉर्मूला का उपयोग करना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पे फाइंड टाइप किया। फाइंड टाइप करने के बाद अब हम फाइंड जहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे वाले सेल में हम फाइंड फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू को टाइप किया जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, फिर हमने फाइंड लिखा। फाइंड लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अब जो भी आप वर्ड फाइंड करना चाहते हैं, चाहे सिंबल फाइंड करना चाहते हैं या स्पेस फाइंड करना चाहते हैं, उसको आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। हमने यहाँ पे स्पेस फाइंड करना कि स्पेस कहाँ है इस टेक्स्ट के अंदर, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसके अंदर हम स्पेस को फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए हमने स्पेस को इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया। फिर हमने सेमी कोलन लगाया और इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हमने एंटर बटन को प्रेस किया। जैसे हमने एंटर बटन को प्रेस किया यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आया है वो 4 आया है। इसका मतलब ये है जो स्पेस की पोजीशन है इस टेक्स्ट के अंदर जो हमने सिलेक्ट किया था वो 4th नंबर पे है, जिसे आप देख सकते हैं वीडियो में। आप चाहे तो आप काउंट भी कर सकते हैं, जो स्पेस है वो 4th नंबर पे है। तो इस प्रकार से आप फाइंड फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सभी टेबल पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके दिखाएं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने में अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करना सीखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट या नंबर पर कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जहां पे भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है उसको टेक्स्ट या पूरे टेबल को सिलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट किया। फिर अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके गए, वहां पे क्लिक किया, बॉक्स आया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स आ गया है, एक बॉक्स आ गया है। अभी यहाँ पे हमने सेल वैल्यू को सिलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, आप कोई सा भी कंडीशन लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का कंडीशन को सिलेक्ट किया।
और एक वैल्यू दे दिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे एक कंडीशन दिया, जो सेल की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 85 होनी चाहिए, और हमने उस पर फॉर्मेटिंग लगा दिया। सेल स्टाइल में जाके आप कोई सी भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। फिर हमने सेकंड कंडीशन लगाना है, हमने एक कंडीशन लगा दिया, दूसरे कंडीशन के लिए हमने सेकंड कंडीशन को सिलेक्ट किया, जैसे कि आप दे सकते हैं, वहां पर हमने टिक किया तो सेकंड कंडीशन का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, कोई सा भी कंडीशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बार हमने लेस देन का कंडीशन दिया यहाँ पे, और फिर इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर दिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब हम तीसरी कंडीशन देंगे, इसके लिए हमने इस कंडीशन बॉक्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कोई से भी कंडीशन दे सकते हैं, कोई से भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। इस थर्ड कंडीशन हमने इक्वल टू का कंडीशन दिया हुआ है, आप चाहे तो इसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो जो कंडीशन हमने यहाँ पे दिया था वो यहाँ पे आ गया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने सबसे पहला कंडीशन दिया था, जो सेल वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 85 होना चाहिए। अगर जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 85 है, 85 से ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं उसे यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। फिर हमने सेकंड स्टेटमेंट दिया था, जो वैल्यू 85 से कम है, तो हमने उस पर स्टेटमेंट उस पर हमने फॉर्मेटिंग की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्सेस आ गए हैं, उस पर बॉर्डर लगा हुआ आ गया जो 85 से कम है। और जो इक्वल टू से, जो 85 के इक्वल टू है वो एज इट इज रहा है। तो इस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से कंडीशन देकर किसी भी टेक्स्ट पे किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अब आप सभी किसी एक कॉलम पर फिल्टर लगा के दिखाएं। फिल्टर लगाने में कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से फिल्टर का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले जहां पे आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, उस रो या उस कॉलम को सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट किया, फर्स्ट सेल को हमने सेलेक्ट किया, फिल्टर पे गए, ऑटो फिल्टर पे सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हमने फर्स्ट रो पे रखा था, तो हर एक फर्स्ट रो पे जो भी हमने वैल्यू लिखा है सब पे फिल्टर लग के आ गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसके ड्रॉप डाउन बटन पे, तो जो सारे ऑप्शन हैं वो सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। हमने एक ऑप्शन पे क्लिक किया तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से आप किसी दूसरे का डेटा देखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें, जैसे हमने नेम को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सिर्फ नेम से रिलेटेड जो भी डेटा था वो यहाँ पे आ गया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अगर ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन जो भी हैं सारे डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं, फिल्टर को लगा सकते हैं, और किसी भी एक या एक एक करके, अगर एक एक करके जानकारी देखना है तो आप देख सकते हैं, अगर सारी जानकारी देखना है तो भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सभी अपनी फाइल को पीडीएफ में बदल कर दिखाएं, फिर अपनी फाइल को सेव करें। अब अपनी फाइल को क्लोज करें, फिर अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें। आज की क्लास में आपने कुछ फॉर्मूलों का रिवीजन किया, जैसे कि मैक्सिमम, मिनिमम, टुडे, फाइंड और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर ऑप्शन के बारे में रिवीजन किया, और आपने एच लुकअप और वी लुकअप के बारे में सीखा। अगली क्लास में आप सभी का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, आप सभी प्रैक्टिकल टेस्ट में उपस्थित रहें। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षा के द्वारा आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा।